ए बॉयज व्हाट्स अप इट्स वेलकम बैक एंड टू द न्यू वीडियो ऑफ द फॉरेस्ट आज हम फिर दोबारा आ चुके हैं जंगल में मंगल करने के लिए ऑल राइट right, तो ओ सिट भाई मैं ऊपर से डायरेक्ट कूद गया मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चला गया ऑल राइट right, तो आप लोग का जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ये मेरा छोटा सा जो ट्री हाउस मैंने यहाँ पे अपना बनाया था और ये मेरा बेस था और इधर को मैंने ये तीनों आइलैंड और वो कंटेनर को एक्सप्लोर किया था इधर तो मुझे को कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला था अभी हम लोग अभी आगे अंदर फॉरेस्ट में चल चल जाने वाले हैं लोग एक्सप्लोर करने के लिए ऑल राइट तो ये अभी से थक गया है इसको और कुछ खाने को अभी है नहीं मेरे पे और ना ही मछलियाँ मिल रही हैं नहीं आई थिंक है मेरे पे ये दो पैर पड़े हुए हैं मतलब इंसान के ही पैर है ऑब्वियसली हम अभी यहाँ पे इंसान का भी पैर आराम से खा पी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने नीचे यहाँ पे फायर बनाया था शायद से हाँ मैंने यहाँ पे नीचे फायर बनाया था ऑल राइट किधर को गया फायर फायर तो मैंने इधर ही कहीं तो बनाया था नीचे ऑल राइट right, तो अभी नहीं मिल रहा तो हम लोग फिर यहाँ पे एक दूसरा एक दूसरा फायर का बनाने वाले हैं और अपना खाना बनाने वाले हैं हम लोग अभी रात भी हो चुका है तभी तो दिन में निकलेंगे हम इधर को लेट्स गो फायर भी जल चुका है ऑल राइट right, तो दोनों पैर हम, यह, हम अभी हम यहाँ पे रख देते हैं और पका के और इसको खाते हैं क्योंकि अभी भूख मिठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भूख मिटेगा तभी हम जिंदा रहे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किस चीज़ का हम पैर खा रहे हैं इंसान का या फिर जानवर का या फिर किसी का भी ऑल राइट right, तो ये पक गया अभी हम इसको उठा के खा लेते हैं ओ भाई अजीब सा अजीब सा मतलब ये साउंड निकाल रहा है इंसान का पैर खाते वक्त ऑल राइट तभी हम लोग चलते हैं ऊपर सोने के लिए काफी रात हो गया है फिर सुबह उठ के और फिर हम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे अभी पूरी तरह पूरी तरीके से रात नहीं हुआ है और जब तक पूरी तरह से रात नहीं होगा ये सोएगा नहीं एक और मर्डर करने वाले हम लोग ये लेट्स गो एक और चिड़िया मारी गई हमारे यहाँ तो लेट्स गो ऑल राइट तो ये सोने वाला भी बारह के अब हम लोग सोते हैं यो व्हाट्सएप ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज ब्रो मेरी किस्मत ऐसी क्यों है अभी जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गया अभी मेरे को प्यास लग रहा है काफ़ी तेज अभी मैं इस सबको उठाने वाला हूँ ये कहाँ पे लगेगा अभी ऊपर चलते हैं और राइट अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं अब देखते हैं कहीं हमें एक्सप्लोर करने जाना ही होगा ऐसे तो यहाँ बैठे बैठे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं अभी मेरे पास खाना भी खत्म हो रहा है और पानी भी ख़त्म हो रहा है मेरा प्लेन जिधर था हम शायद प्लेन में जा सकते हैं अभी वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ खाने को हो बारिश तो वैसे काफ़ी तेज़ हो रहा है लेकिन आ, हमारे प्लेन में ज़रूर कुछ ना कुछ अभी खाने को पड़ा होगा क्योंकि मैंने अभी पूरी तरह तरीके से प्लेन को लूटा नहीं था यहाँ पे कुछ सूटकेस पड़े हैं यहाँ को हम तोड़ते हैं और लेट्स गो यहाँ से डॉक टेप और आ, कुछ कपड़े मिल गए मेरे को इसको भी लूटते हैं हम लोग ऑल तो बॉल मिला मेरे को अभी तो नहीं चाहिए भाई ऑल right मतलब बियर की बोतल और कपड़े काफ़ी ज़्यादा इधर को मिल रहे हैं मेरे को ज़्यादातर आई थिंक प्लेन में एथलीट थे जो मेरे साथ सफ़र मतलब ये कर रहे थे वो प्लेन में एथलीट थी मेरा मेरा प्लेन अभी यहाँ पे है और उधर जाकर हमने हमने अपना बेस बनाया ऑल राइट अभी यहाँ पे और सारे सूटकेस गिरे हैं हो सकता है कि इसमें कुछ खाने और पीने को मिल जाए ऑल राइट right, तो मुझे चॉकलेट मिला है इधर को अभी हम इस पर चलने वाले हैं चल जा राइट right, तो यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है हम इसको खा लेते हैं कुछ मेडिसिन पड़ी हुई है कुछ स्नैक्स पड़े हुए हैं इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर भी अभी बियर्स पड़ी हुई है लेट्स गो अभी तो सिर्फ मुझे प्यास लग रहा है और एक ये चॉकलेट हमने तो खा लिया अभी और एक मैंने मतलब एक मसाल बना लेते हैं जिससे कि जिससे कि अगर रात होता है तो हम उसे जला के और लेट्स गो इसे जला के और हम अपना काम कर ले आराम से उसको हम लोग इक्वे अप कर लेते हैं ये रहा ये है देखो इसको हम इसमें एल से लाइट में एल करके इसमें आग लगा देंगे तो फिर ये जलने लग जाएगा जो कि हमारे रात को आराम से काम आ जाएगा जब बहुत बहुत अंधेरा छा जाएगा तो।, तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इधर तो मेरे घर है इधर मेरा घर है और इसमें हम लूट ही लिए हैं लगभग कुछ सब कुछ यहाँ पे और कुछ सूटकेस पड़ी है जिनको हमें लूटना चाहिए ऑल राइट तो फिर से मुझे कुछ मेडिसिन मिल गई हैं, इसमें से फिर से मुझे बॉल मिला जो कि मुझे नहीं चाहिए टेप और बियर फिर मुझे मिल गया और अभी हम चलते हैं इधर को ये काफ़ी सही चीज़ है इसे हम किसी को पीट भी सकते हैं और आराम से जला के रात को हम अपना आ, काम भी कर सकते हैं इधर मशरूम कुछ पड़ा हुआ है इसको हम लेते हैं और इधर को सर्वाइव कर नहीं सॉरी मशरूम नहीं है ये मेरा ये था हमको लगा दूर से मशरूम है और राइट तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लेट्स गो ऑल राइट तो आइलैंड 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 होते 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 हम कहीं तो यहाँ पे आ चुके हैं अभी यहाँ पे एक हिरण पड़ी है इसको हम मार सकते हैं भागी मत ओ रे भाई भाग गई है तो इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं तो बिना मतलब इसके पीछे दौड़ने से क्या फायदा है हम ये अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है न्यू एनिमल डिस्कवर्ड हाँ भाई पता है न्यू एनिमल डिस्कवर्ड ऑलराइट गाइस तो आगे का जितना बचा हुआ वीडियो है उसमें मेरा वॉइस ओवर होने वाला है क्योंकि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो मेरा माइक ऑफ हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा माइक ऑफ हो चुका है ऑल राइट ऑल राइट तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे एक यहाँ पे ये कैंप मिला जिसमें कि टूरिस्ट जो कैंप करते करते हैं तो मुझे यहाँ पे एक पतीला भी मिला और अजीब अजीब तरह की किताबें भी मिली यहाँ पे ब्लड भी मिला एक बैग भी मिला और एक टेंट भी मिला और साथ में एक अमेरिकन फ्लैग जो कि आधा से ज़्यादा जला हुआ था वो भी यहाँ पे मुझे मिला और फिर मैं इसको देख के थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं ही सिर्फ इस जंगल में हूँ क्योंकि ये प्लेन क्रैश किया हुआ है और मैं जब इधर इधर को देखा तो एक बड़ा सा जो वो होता है वो सीप जिससे जिससे ब्रेक लगाती है वो इधर को गिरा हुआ था यानी कि यहाँ पे कभी ना कभी काफ़ी बड़ी सीप आई थी और साथ में वो वहाँ पे जो वो कंटेनर पड़ा हुआ है शायद से ये उसी शिप का है तो इस फॉरेस्ट में सीप भी गायब हो चुकी है और चार ही कंटेनर बचा है और जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा तब तक मुझे ये अवेल मिली वेल मिली जो काफ़ी खतरनाक थी मतलब कि काफ़ी खतरनाक ही होती है वेल और यहाँ पे मरी हुई मरी हुई थी तो मैंने इसे मीट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की अपने कुल्हाड़ी से निकाल के और इसे मार के मीट मीट को निकालने की कोशिश की जिसे कि मैं पका के खा सकूँ लेकिन मीट नहीं मिला सिर्फ मुझे इसका सर मिला जो कि एक ट्रॉफ़ी के रूप में मुझे मिल रहा था मैं इसे पका भी नहीं सकता था और जैसे ही मैंने ऊपर के पहाड़ी पर पहाड़ी पे, पे पहुंचा तब तक मुझे कुछ अजीब दिखा पानी के अंदर पानी के अंदर मुझे एक काफ़ी काफ़ी बड़ी याच दिखी काफ़ी बड़ी याच देखी जो कि काफ़ी प्राइवेट याच होती है एक वो दिखी थी वो काफ़ी महंगी होती है तो मैं वहाँ तक पहुँचने मतलब मैं कुछ नर्वस था कि वहाँ पे जाऊँ या फिर ना जाऊँ लेकिन मैं वहाँ पे जाने की कोशिश किया तभी आ, मैं यहाँ से पहाड़ियों से उतर के और वहाँ पर वहाँ पे जाता चला गया तभी आ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और पहाड़ी पर से मैं गिर भी गया फिर मुझे रास्ते में आ, एक अजीब चीज़ और दिखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लॉगेज पड़े हुए हैं जिसे मैंने एक एक करके खोला और मुझे यहाँ से कपड़े स्नैक्स और बॉल्स और भी और भी काफ़ी चीज़ मिली लगभग यहाँ पे पांच सूटके थे जिसे मैंने आ, बारी बारी से खोल के और लूटा किसी में डॉक टेप किसी में आ, क्लॉथ है किसी में बैटरी किसी में दवाई ऐसे ही कुछ मिलता गया और एक ये जो लास्ट वाला रेट था इसमें इसमें मुझे भी डॉकटे डकटेप ही मिला जो कि इधर फॉरेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया तब तक, तक मुझे यहाँ पे तीन और वेल मरी हुई मिली और बहुत सारे बैग्स मिले और मुझे यहाँ भी कुछ अजीब दिखा और यहाँ पर यह है किसी का मतलब कि किसी को यहाँ पे गाड़ दिया गया हो वैसे और मुझे यहाँ पे उसी सीप का फोटो मिला जो कि पीछे खड़ी हुई है और यहाँ पे किसी को पहले से ही गाड़ दिया गया है और मुझे यहाँ पे एक टेप भी मिला जिसको मैंने बाद में सुना तो उसमें से काफ़ी 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 अजीब अजीब साउंड्स आ रहे थे मतलब म्यूजिक साउंड्स थे और फिर मैं जैसे तैसे करके और यहाँ पे मुझे एक फिर लैपटॉप भी मिला जिसे मैंने तोड़ा तो कुछ अंदर का उसका मदरबोर्ड मैंने ले लिया पता नहीं ये आगे किस काम को आएगा लेकिन मैंने इसको ले लिया और मुझे लगा ये फोटो है लेकिन ये लैपटॉप का स्क्रीन था ऑल राइट right, तो मैं इधर को आया आ, मैं देखा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा फिर मैं इधर पानी में जाते हुए और आ, सीप पे चढ़ने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पे मुझे देखा फिर मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक काफ़ी अजीब किताब मिला जिसका नाम था समर एडिशन याच और मैंने इसे खोल के पढ़ने की कोशिश की तो अंदर एक भी पेज नहीं थे ऑल राइट right, तो मैं जैसे ही अंदर आया तो मुझे काफ़ी अजीब दिखता है ये एक काफ़ी आलीशान बेड और साथ में जब मैं इधर आता हूँ तो एक और मुझे टेप मिलता है और रेडियो बेसिकली ये रेडियो होता है और मुझे यहाँ पे एक छोटी सी याच मिलती है और सबसे अजीब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है वो ये सर मतलब किसी का सर हुआ जो सर है वो कटा हुआ और यहाँ पे पड़ा हुआ है Uh, काफ़ी अजीब बात है और इसका भी जो बेटा है वो खोया हुआ है इस मतलब शहर में शहर में सॉरी इस फॉरेस्ट में उसका भी बेटा पहले से ही खोया हुआ है ऑल राइट right. तो मैंने इस सर को यहाँ से हटाने की कोशिश की क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था और ऐसा यहाँ पे लग रहा था कि इसको मतलब थाली में परोस के और चाकू और वो जो होता है ब्लेड उसे काट के खाने की कोशिश की गई है और यहाँ पे कुछ बुक्स थे बाइबल वगैरह और नीचे कुछ कैनिस्टर थे और मुझे यहाँ पे एक और फोटो आ, मुझे यहाँ पे एक और मतलब अजीब यहाँ पे किडनी गुर्दा भी मिलता है यहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी मिलता है जो कि बंद है और सेम वैसा ही मास्क यहाँ पे भी पड़ा हुआ है जहाँ वहाँ पे पड़ा हुआ था जला हुआ और यहाँ पे लोग और आधा डेड बॉडी मिला और आधा डेड बॉडी उधर था और सेम जो वहाँ पे हुकल पड़ा हुआ था वो इस फोटो में और एक ये जो यहाँ पे गुड्डा पड़ा हुआ था वो और कुछ यहाँ पे क्वाइंस मिले यहाँ पे जो गुड्डा पड़ा हुआ था सेम वहाँ पे भी मिला था और साथ में मुझे ये काफ़ी एक ख़तरनाक मतलब ये फोटो है किसी जानवर का जो कि मुझे देखने को मिला और फिर मैंने ये मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे याज पर रहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि ये पानी के बीच में है और राधा देन की मेरा वो जो अथी था और मैंने यहाँ पे रहने की कोशिश किया जब तक मैं अपना खुद का बेस बना नहीं लेता हूँ और मैंने इस सीक्रेट रूम को खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन ये खुल नहीं रहा था और फिर मैंने यहाँ पे अपना गेम सेव किया और गेम को इधर को क्विट कर दिया तो ऑल आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय